हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच सागर जंक्शन का फुल अपडेट लेकर के आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो नया फुट ओवर ब्रिज है उसका निर्माण कार्य बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। इसके साथ ही वहां पर सीढ़ियों का एक ढांचा तैयार कर दिया गया है नए फुट ओवर ब्रिज का। इसके साथ ही नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, जो वहाँ पर हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था सिग्नल बनना था, तो वो सिग्नल बनकर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और प्लेटफार्म नंबर 3 पर भी सिग्नल बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इनक्लोजर बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से अर्थिंग को सप्लाई किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर हमारे चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लेट ना करते हुए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सामने आप देख पा रहे हैं नया फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीढ़ियों का एक ढांचा तैयार कर दिया गया है। नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य लोग बनाने में बहुत ही तेज़ी से लोग जुट गए हैं, तो इसका निर्माण कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं इधर भी कार्य को स्टार्ट कर दिया गया है। जो बीच में पावा था उन पर सीढ़ियों का निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया गया, आप देख सकते हैं सारे मटेरियल यहाँ पर रखे गए हैं। और ये पावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नट वट वगैरह यहाँ पर कसे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं अभी नट यहाँ पर कसे हुए नहीं हैं, उनको कसे जाएंगे। तो कार्य को तेज़ी से किया जा रहा है नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य करने के लिए। तो आप इस साइड भी देख पा रहे हैं वहाँ पर कई सारे मटेरियल रखे गए हैं नए फुट ओवर ब्रिज का। आपको दिखाएंगे नज़दीक से किस प्रकार कार्य को किया जा रहा है नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य करने के लिए। ये प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 के बीच में है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आपको इस साइड, आपको दिखाते हैं किस प्रकार नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और भी वहां पर रखी गई हैं कई सारी जालियां। इसके साथ ही यहां पर भी कुछ मटेरियल रखे गए हैं सीढ़ियों का निर्माण कार्य करने के लिए। बाकी आप देख पा रहे हैं इन पर भी बहुत ही जल्द कार्य को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे यहाँ पर मटेरियल रखे गए हैं नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य करने के लिए। अब हम चलते हैं आगे नए प्लेटफार्म पर, किस प्रकार वहाँ पर कार्य को किया जा रहा था ढलाई का कार्य, और भी चीज़ें हैं आगे जो आपके चलकर दिखाते हैं। वहाँ पर प्लेटफार्म नंबर 3 पर वहाँ पर सिग्नल बनाने का कार्य किया जा रहा है। चलकर आपको दिखाते हैं किस प्रकार वहाँ पर कार्य को किए जा रहे हैं। बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैठने के लिए स्थान भी बनाया जाएगा, या पावा देख सकते हैं। और यहाँ पर ढलाई का कार्य को किया जा रहा है, तो जो आगे की साइड में है ढलाई का कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आगे चलकर आपको दिखाते हैं, या आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ढलाई का कार्य स्टार्ट हो चुका है। बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेयजल के लिए यहाँ पर प्लेटफार्मों पर हर जगह बनाया गया है पेयजल की व्यवस्था।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ढलाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है, देख पा रहे हैं आप फर्श। तो ये आप देख पा रहे हैं नए प्लेटफार्म पर यहाँ पर एक सरकारी मशीन भी बनाया गया है पानी के लिए। और इस साइड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किनारे किनारे यहाँ पर जालियाँ लगा दी गई हैं। जब हम आए थे 11 दिन पहले तो यहाँ पर जालियाँ लगी हुई नहीं थी, तो यहाँ पर जालियाँ भी लगा दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, नया फुट ओवर ब्रिज के पास जो जालियाँ रखी हुई थी, ये यहाँ पर जो प्लेटफार्म बनाए गए हैं नए, यहाँ पर किनारे किनारे ये वो जालियाँ लगाई जाएंगी, वो नए फुट ओवर ब्रिज पर नहीं लगाई जाएंगी। आप देख पा रहे चारों तरफ जालियां लगा दी गई हैं और सामने आप देख पा रहे नया बाथरूम बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे यहाँ पर बाथरूम बनकर तैयार हो चुका है, यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और सामने आप देख पा रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 3 पर यहाँ पर सिग्नल बनाया जा रहा है, ये गड्ढे खोदे गए हैं इसके लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नल बनाया जाएगा और इस साइड भी सिग्नल बनाए जाएंगे, ये गड्ढे देख पा रहे हैं। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं इस साइड यहाँ पर जो जंगले थे उनको यहाँ पर भी लगाए जाएंगे, ये आप देख सकते हैं इस साइड जंगले यहाँ पर रखे गए हैं। आप देख पा रहे हैं हर जगह आपको नए नए कार्य देखने को मिलेंगे, हर प्लेटफार्मों पर कार्य को किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे ये जो गड्ढा है यहाँ पर सिग्नल को बनाया जाएगा। अब हम चलते हैं नए बिल्डिंग की तरफ, किस प्रकार नए बिल्डिंगों का निर्माण कार्य किया जा रहा है आगे चलकर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, सामने आप देख पा रहे हैं नए बिल्डिंग की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं नए मोटे मोटे यहां पर छड़ भी लगाए गए हैं और बड़े बड़े यहां पर पावा भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं ये छड़ लगी हुई है, कार्य को बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है नए बिल्डिंग को बनाने का। यह आप देख पा रहे हैं हर जगह आपको रखे हुए मटेरियल आपको देखने को मिल रहे हैं, चलकर आपको दिखाते हैं किस प्रकार नए बिल्डिंग का कार्य को किया जा रहा है। यह आप देख सकते हैं बड़े बड़े यहां पर पावों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जब हम आए थे तो इस साइड यहां पर कार्य नहीं किया जा रहा था, तो इस साइड भी बड़े बड़े यहाँ पर पावा बना दिया गया है, यहाँ पर भी बनाए जाएंगे भवन को। बाकी आप देख पा रहे हैं नए भवन का निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं ढलाई का कार्य वहां पर कंप्लीट हो चुका है, जब हम आए थे तो वहां पर ढलाई का कार्य नहीं हुआ था, चलकर आपको दिखाते हैं वहां पर ढलाई का कार्य हो चुका है और इसका निर्माण कार्य आप देख भी पा रहे हैं, काफी जोर शोर से लोग कर भी रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं न्यू यहां पर ढलाई की गई है, चलकर आपको दिखाते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं यहां पर न्यू ढलाई यहां पर किया गया है। बाकी वहां पर बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो यात्रियों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर नया भवन बन जाएगा तो यहाँ पर नए यहाँ पर वेटिंग रूम भी बनाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को बहुत ही आसानी होगा। तो आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कार्य को कितनी तेजी से किया जा रहा है, नए यहाँ पर मोटे मोटे यहाँ पर बनाए गए हैं पावा, आप देख पा रहे हैं।
तो फ्रेंड्स सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कर्मचारियों के लिए यहाँ पर भवन का निर्माण कार्य किया गया है, पूरा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। और आप यहां पर देख पा रहे हैं नए फुट ओवर ब्रिज का यहां पर पार्ट रखे गए हैं, इन पर पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी पेंटिंग आधा से ज़्यादा लगभग हो चुका है और अभी वहां पर कुछ पेंटिंग बाकी हैं, वहां पर कार्य को किया जा रहा था पेंटिंग का। तो चलते हैं आगे, आपको चलकर दिखाते हैं और भी क्या क्या कार्य को किए जा रहे हैं। वो आप देख पा रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पर सूरत से छपरा जाने के लिए वहाँ पर ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी है। तो ये आप देख पा रहे हैं पेंटिंग के सारे यहाँ पर डब्बे यहाँ पर रखे गए हैं। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि जो नया फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य है बहुत ही जल्द इसको कम्प्लीट किया जाएगा। नया फुट ओवर ब्रिज बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रक के माध्यम से यहाँ पर बालू गिराया जा रहा है, लाल बालू यहाँ पर गिराया जा रहा है और यहाँ पर कई सारे यहाँ पर गिट्टक भी गिराया गया है। बाकी आप नया कर्मचारियों के लिए आप भवन देख पा रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी सुंदर भी लग रहा है देखने में। तो अगली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पर सिग्नल का निर्माण कार्य किया जा रहा था, चलकर आपको दिखाते हैं वहाँ पर सिग्नल का निर्माण कार्य हो चुका है, चलकर आपको दिखाते हैं। बाकी आप देख पा रहे हैं जो भवन बनाया गया उसके सामने यहाँ पर मिट्टियाँ डालकर यहाँ पर समतल की जा रही हैं। बाकी आप सामने देख पा रहे हैं जहाँ पर नए प्लेटफार्म का निर्माण कार्य किया गया था उन पर पेंटिंग का कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। या आप देख सकते हैं पेंटिंग का कार्य लगभग आधा कर दिया गया है और अंदर का कार्य जो भी बचे हुए थे उनका कार्य किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ न कुछ हर जगह कार्य किए जा रहे हैं। या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मटेरियल गिराए जा रहे हैं। जो हम पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे सिग्नल का निर्माण कार्य किया जा रहा था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बनकर, आपको चलकर दिखाते हैं। सामने आप देख भी पा रहे हैं वहाँ पर नया बन चुका है सिग्नल, तो आप सिग्नल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सिग्नल, तो फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ मटेरियल रखे भी गए हैं सिग्नल के लिए और आगे यहाँ पर नए नए सिग्नल का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। लोग नट के द्वारा यहाँ पर नटों को कस रहे हैं। तो आगे बहुत सारे वहाँ पर नए नए सिग्नल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ मटेरियल सिग्नल के लिए रखे गए हैं। तो अब हम लेकर के चलते हैं उस साइड में आपको नया प्लेटफार्म का निर्माण कार्य किया गया था, चलकर आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या कार्य हो चुके हैं, आगे चलकर आपको दिखाते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे भी चलकर आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। या भी देख पा रहे जनरेटर के द्वारा भी कार्य को किए जा रहे हैं कार्य को। तो फ्रेंड्स इस साइड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एक नया बाथरूम बनाया जा रहा था और यहाँ पर लगभग कार्य हो चुका है बाथरूम बनाने का, आगे चलकर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर भी नए नए यहाँ पर पेयजल के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं,
ताकि यात्रियों को पेयजल की व्यवस्था आसानी से हो सके। और इस साइड आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये बनाया जा रहा है, इन पर मसालों को भरा जा रहा है, आप देख सकते हैं। इनके किनारे किनारे यहाँ पर जालियाँ लगाई जाएंगी। बाकी ये बीच बीच में यहाँ पर कुछ गड्ढे किए गए हैं, वो तो पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये गड्ढा आप देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर छड़ के यहाँ पर तार बिछाए गए हैं। यहाँ पर भी नए नए ढलाइयाँ का कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर भी बहुत ही जल्द आपको नया ढलाई आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस साइड आप देख पा रहे हैं, ढलाई कंप्लीट हो चुका है और इस साइड कार्य को किए जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कार्य को बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। तो सागंज जंक्शन पर लगभग बहुत ही मात्रा में यहाँ पर कार्य को तेजी से किया जा रहा है। आप दिन प्रतिदिन नए नए कार्य को देखने को मिल रहे हैं। बाकी ये नए प्लेटफार्म पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो बाथरूम बनाया गया था इन पर प्लास्टर का कार्य को स्टार्ट कर दिया गया है। बाकी आप देख पा रहे हैं, ये जो पेयजल बनाया गया है इसके साइड में यहाँ पर कुछ नालियाँ बनाई गई हैं के द्वारा यहाँ पर पानियों को यहाँ से निष्कासित किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नालियाँ बनाई गई हैं जिसके द्वारा पानियाँ को निकाली जाएंगी। बाकी आप सामने देख पा रहे हैं, जितने भी यहाँ पर फर्श अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उन पर भी बहुत ही जल्द आपको ढलाइयाँ देखने को मिलेंगी। तो कार्य को दिन प्रतिदिन बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है, नए नए कार्य आपको दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं, वहाँ पर इनक्लोजर बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से अर्थिंग सप्लाई हो सके। चलकर आपको दिखाते हैं किस प्रकार इनक्लोजर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं इनक्लोजर के पास, चलकर आपको दिखाते हैं। बाकी आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी पटरियाँ हैं उनको, पुराने पटरियों को निकाला जा रहा है। तो कार्य को हर जगह किया जा रहा है। तो ये हम पहुंच चुके हैं इनक्लोजर के पास। यहाँ पर नए नए यहाँ पर इनक्लोजर बनाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से अर्थिंग को सप्लाई किया जा सके। ये देख सकते हैं आप। ये वो ढांचा है जिसके माध्यम से तैयार किया जा रहा है। बाकी आप इस साइड देख पा रहे हैं, यहाँ पर कई सारे यहाँ पर गिट्टक फैलाए गए हैं और इन गट्टकों को फैलाने के बाद यहाँ पर हो सकता है पटरियाँ बिछाई जाएं। और ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक सौर ऊर्जा वाला प्लेट भी लगाया गया है जिसके माध्यम से लाइटें हर जगह सप्लाई हो सके। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।